वर्ष 2024 विश्व कप आईपीएल में जो आप गेंदबाज ले जा रहे हैं, इनमें से किसी एक गेंदबाज को आप बैठाइए और भुवनेश्वर कुमार को मौका दीजिए, क्योंकि उनका अनुभव बोल रहा है, वो अपने अनुभव को बरकरार रखते हैं। वक्त आता है जाता है, परंतु अनुभव ही आपको आप कौन है यह बताता है। वेलकम टू क्रिकेट इंशो, में आपका क्रिकेट से सारी खबर आपको मिलेगी। राजस्थान रॉयल और सनराइजर्स हैदराबाद, जो कि वर्ष 2024 की आईपीएल की दो सबसे बेहतरीन टीम, इन दोनों के बीच मुकाबला खेला गया। इन दोनों के बीच मुकाबला खेला गया तो सबको बेसब्री से ये इंतजार था कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ी। सनराइजर्स हैदराबाद का पहले बल्लेबाजी हेड का बल्ला चला, परंतु अन्य बल्लेबाज जैसे अभिषेक और जो बल्लेबाज थे वो खामोश थे। हेड 58 रन की पारी खेले, ताबड़तोड़ शुरुआत दिए जैसा कि वो देते हैं हर मैच में हर टीम के खिलाफ। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए रेड्डी, 76 रन की पारी खेले, ताबड़तोड़ पारी खेले, अपने बल्लेबाजी से सबको अचंभित कर दिए, मौचक्का कर दिए। बचा खुचा कसर जो था उसको पूरा की क्लासन आते ही 42 रन की पारी खेले। इन पारियों को जोड़कर मिलाकर सनराइजर्स हैदराबाद कुल स्कोर 201 बना ले गई। 202 का लक्ष्य जो था वो था राजस्थान रॉयल के साथ। राजस्थान रॉयल सबसे ज्यादा पॉइंट के साथ अंक तालिका पर नंबर एक स्थान पर बनी हुई है, मजबूती से डटी हुई। इसके कप्तान है संजू सैमसन की बल्लेबाजी भी कमाल की है, कप्तानी भी कमाल की। यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने आए, ताबड़तोड़ 67 रन की पारी खेली, परंतु और बल्लेबाजों का जो बल्ला है वो खामोश रहा। एक खिलाड़ी है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है पराग, रियान पराग। ये जिस हिसाब से कमबैक किए हैं भाई, काबिले तारीफ है। ये पिछले आईपीएल में खामोश थे, हंसी मजाक वाला इनका चेहरा था, परंतु इन्होंने अपनी पूरी पर्सनालिटी ही चेंज कर ली। एकदम अब खामोश रहते हैं, एकदम मैच्योर नजर आते हैं, और इस बल्लेबाजी से वो राजस्थान रॉयल को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिए, जो कि 77 रन की पारी, परंतु इसको ये बड़े स्कोर में तब्दील और नहीं कर पाए। राजस्थान रॉयल 1 रन से ये मुकाबला हार गई। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार 3 विकेट चटकाए। अपने इस गेंदबाजी से लोहा मनवाए, दबदबा मनवाए, क्यों उन्हें स्विंग का बादशाह कहा जाता है, स्विंग का किंग कहा जाता है। हम आशा करते हैं कि आईपीएल ऐसे ही चलता रहे और मनोरंजन देता रहे, एक टीम दूसरे टीम पर हावी रहे और हमको आनंद की अनुभूति होती रहे। क्रिकेट से जुड़ी सारी खबर आपको मिलेगी, अगर देखते रहिए क्रिकेट इंशोमिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, प्ले स्टोर पर जाएं क्रिकेट इंशोमिया डाउनलोड करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।